ये बालक इस गोद में कैसे है, मन ही मन सोचने लगे। तो और ध्यान लगाया तो समझ गए, अरे जीव का स्वभाव है संतों की परीक्षा करना, और उसमें भी फिर नारी है, नारी तो पग पग पे, संतन की तो छोड़ो, वो तो हर समय अपनी आदमी की परीक्षा करते रहते, बातन फसा के इस तरीके की बात करेगी कि बात हल्का में तो निकल आवे। तो गर्गाचार्य जी क्या चलती थी वहां, गर्गाचार्य समझ गए, तो उन्होंने भी कहा कि इनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, यशोदा की गोद में जो है ना, वो कह रहे हैं ए यशोदा, अयम ही ते पुत्रो न रोहिणी पुत्रो, ये तव पुत्रो ना, तेरा पुत्र नहीं है, रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, बोले ये हमेशा सदगुणों में रमण करता है, बड़ा सदगुणी है, इसलिए इसका नाम राम होगा, इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलं विदुः, लेकिन ये बहुत बलवान होगा इसलिए इसका नाम राम के साथ में लोग फिर बल और लगा देंगे, इसलिए नाम हो जाएगा बलराम। त्रेता युग में दो राम थे और द्वापर युग में एक राम, त्रेता युग में दो राम कौन कौन से थे, एक तो राम और एक परशुराम। परशुराम भी पहले राम ही थे, पर शंकर भगवान की तपस्या करी और उन्होंने फरसा दे दिया और नाम के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, इसलिए परशुराम। और यहां हैं तो केवल राम ही, नाम तो रखा गया था राम, लेकिन बल अधिक था, इसलिए बलाधिक्याद बलम विदुहु आख्यास्यते राम इति, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। अब एक दूसरी तरफ देखने लगी, बोले बाबा बहुत होशियार हुआ, और दोनों कान पकड़ के बोली बाबा क्षमा करना, गलती हो गई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि दुनिया में किसी की भी परीक्षा लेना, पर साधु की परीक्षा मत लेना, अपराध है, गुरु अपराध हो जाएगा। यशोदा बोली तो मेरे लाला को तो नाम धरो, मेरा लाला तो रोहिणी की गोद में है ना, ये तो मेरी गोद में, वो तो रोहिणी को लाला है, मेरे को तो धरो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि जाको एक नाम हो तो धरूं, है एक नाम हो तो धरूं, जिनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम है, विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, पर फिर भी मैं इसका एक नाम रखता हूं कृष्ण। अब यशोदा बूढ़ी बड़ी भोली भाली, अब ये कृष्ण जो है ना, शुद्ध शुद्ध बड़े बड़े वैयाकरणी होते हैं, उन पे भी नहीं उच्चारण होता,
कृष्ण अब जे ठहरी बिचारी बूढ़ी बड़ी सीधी सादी बोली जे तो हम पे नहीं आवेगो जे तो बड़ो टेढ़ो मेढ़ो है। बहुत से लोग कृष्ण कृष्ण करेंगे कृष्ण हरे कृष्णा और कुछ लोग करेंगे हरे कृष्ण कृष्ण ण कृष्ण 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 उन पे भी शुद्ध नहीं आता। और यदि कहीं वो अपने कल परसों कल ही आए थे इस कौन से आए थे ना वे तो और भी अलग बोलते हैं। सुनाओ हरे कृष्णो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छे अच्छे वैयाकरणी जिनका नाम शुद्ध न ले पाए मैं बिना पढ़ी लिखी गमार यशोदा मैं ऐसो नाम कैसे ले पाऊंगी। तो बोले कृष्ण से संबंधित तो जो रखना हो यशोदा तू रख लियो। तो वो बोली ए जीजी रोहिणी बोले हाँ बोले अपन तो अपने लाला ते कनुआ कनुआ क्यों करेंगे आओ बोले हाँ जे ठीक है हैं। ये माता अलग से नाम रखेंगी ही उसका अलग से बिगाड़ेंगी जरूर पर चलो कोई बात ना बे माताएं तो भी ठीक है केवल बालक को नाम बिगाड़ते हैं नाम तक तो ठीक है नाम बिगड़ जाए तब तक तो ठीक है पर बालक को मत बिगाड़ना बालक को मत बिगाड़ना क्योंकि बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं कुल का भविष्य होते हैं है? बालक मत बिगाड़िएगा। भगवान का नामकरण हुआ भगवान ने अपनी चोरों की टीम बनाई माखन चोरी के लिए। जब चोरों की टीम बनाई तो भगवान ने कहा सुनो भैया हम सब लोग मिलकर के चोरी करने जाया करेंगे। सुनो मैं आपको पहले एक बात क्लियर करूं भगवान चोर नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम सब कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा। तो फिर भगवान चोर कहां से हुए भाई उसी का है सब कुछ। लेकिन हमें कब लगता है कि वो चोरी कर रहा है हमें तब लगता है जब हम अपना मान बैठते हैं है? और सच में गोपियों ने तो कभी अपना माना ही नहीं है। गोपियों का तो एक ये बहाना था कि काऊ बहाने थे वो आए तो जाए है? काऊ बहाने थे आ जाए। तो भगवान जब चोर की अपनी चोर की मंडली बना रहे थे तब भगवान ने कहा सुनो भैया चोरी संग संग करेंगे किंतु जब पकड़ा दगड़ी की बात आए तो अपनी अपनी जान बचाना वहां तुम कहो दूसरे के चक्कर में मरियो मत अपनी अपनी जान बचाना। एक जने बोलो लाला तो पे बात आ गई तो तू तो मंडली को मुखिया है और मुखिया ही पकड़ में आएगा तो फिर क्या होगा। तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही क्योंकि भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान ये बहुत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। गुरु ये कहता है कि सुन भगवान जब उनसे कहते हैं ग्वाल वालों से वही गुरु अपने शिष्यों से कहता है कि सुन मुझे कभी तू संसार में फंसा हुआ देख है फंसा हुआ तुझे मैं दिखूं
तो मेरी चिंता मत करना, और मेरे को देख करके प्रमाण बना करके कहीं तू मत फंस जाना। बोले क्यों? तो भगवान ने कहा क्योंकि मैं फंसना भी जानता हूं और फंसावटों से निकलना और छूटना भी जानता हूं, लेकिन तुम हे ग्वाल वालो तुम निकलना नहीं जानते हो, अभी तुम छूटना नहीं जानते हो, इसलिए तुम फंस गए ना, तो फिर तुम्हारी नस नस ढीली आ जाएगी, अच्छी सेवा होगी हैं? क्योंकि अभी तुम निकलना नहीं जानते हो, और जब तक जीव निकलना न जाने तब तक फंसने से बचना चाहिए। इसलिए गुरु की होड़ न करें, क्योंकि गुरु जिसमें फंस रहा है उसमें से जिस दिन चाहेगा उस दिन एक मिनट में ठोकर मार के निकल जाएगा। इसलिए हे सखाओ तुम अपने बचाव का ध्यान रखना, फंस मत जाना। ठीक है, एक गोपी के यहां चोरी करने गए और गोपी रोज अपने अपने आंगनों में बुलाना चाहती थी, अरे परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है, परमात्मा के कोई गीत गाने ले जाए लग जाए, गीत गाने लग जाए, परमात्मा का भाट, हम लोग कौन है? हम भाट हैं, अंतर इतना है हम भाट संसार के नहीं है, संसार भी जो भाट होता है ना, जो संसार के बड़े गीत गाता है, बात समझ रहे हैं ना, भाट तो हैं लेकिन संसार के नहीं है, हम परमात्मा के भाट हैं, हम उसके गीत गाते हैं, और उसके भाट बनने मात्र से भाटों को भी लोग ऐसे ऐसे गीत गाते, जैसे अभी इसने गाया था ना अमित की मम्मी ने, के गाय के गोबर से लिपाऊंगी चौक पुराऊंगी, उसके भाटों को कोई घर बुलाने के लिए यानी कितने प्रयत्न करता है, फिर वो खुद आ गया हो तो बात ही अलग है साहब। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोबर के चौक पुराऊंगी, हमें सोने के कलश की बात कही थी, जामे सोने के कलश की बात ना कह रही, गोपी क्या कह रही है? कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, ए माता सीख लियो, आओ आज के बाद सोने के कलश नहीं जरूरत ना भगवान है, है? सोन जे चौ सोने के कलश कह रही है, चौक जिन्हें सोनो अच्छा लगता था, जिन्हें कदने सोनो अच्छा लगता था ना ताते, लेकिन ये गोपी क्या कह रही है? कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गई यन को, एक कनुआ ताजो ताजो दहिया जमायो गोपाल,
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्या, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्या। हरि बोल। आज मोरे अंगना में आहो नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, नोटन की प्यासी नहीं, आइसक्रीम की प्यासी नहीं, पानी की टिक्की की प्यासी नहीं है, पिज्जा बर्गर की प्यासी थोड़ी है, है? दर्शन की प्यासी गुजरिया। अच्छा, मैंने पानी की टिक्की को नाम लिया तो बसी माता जीव होटल पे फिरा रही है, पानी आ जाता है मुंह में, है ना। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, पुकार है गोपियों की कि हमारे आंगन में आ जाए, और हमारी ऐसी मांग हो जाए ना तो ही हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन जीवन नहीं है, बेकार है, व्यर्थ चला गया। हाथ से हीरा खो गया है, हीरा जैसा जन्म है और यूं ही तो खो रहा है। भगवान उसके यहां जाते हैं और जानबूझ के पकड़ में आते हैं, और वो इस बहाने से यशोदा के पास जाती है, शिकायत के बहाने से उसे दर्शन करती है और छू करके देखती है, और इस बहाने से यशोदा के पास जाती है और भगवान क्या करते हैं कि रूप बदल लेते हैं, और वो घूंघट डाल करके जाती है यशोदा से, कहती है कि देख तेरे लाला को वो रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। यशोदा ने देखी कि जे तो जाको आदमी है, जे रंगे हाथ ना कछु पकड़े हुए होगो जाने तो मेरे पास काई बुलाई, अपने सासू के पास ले जाती। यशोदा ने कहा कि रंगे हाथ ना पकड़ के लाइए, कौन है, किसको? बोली गोपी, अच्छा बड़ी भोरी बन रही है तो दिख ना रहो, और खुद ना देख रही पीछे। अरे बोली, तू तो अपना छोरा ना दिख रहा। तब यशोदा समझ गई कि मेरे लाला की कोई माया है। उसने कहा, गोपी जा घूंघटे उघार और आंख न के पट खोल, या घूंघट के पट खोल और पीछे देख, मेरा छोरा ना तेरी सास को छोराए है। तब वो घबराई और दौड़ी दौड़ी एकदम छोड़ के हाथ को शर्म के मारे मर गई। अपने घर पहुंची, घर पे भीड़ जमा है रही, बिन की जो मौज लेवे वाली होते हैं ना, दूसरे की लड़ाई में जो मौज लेवे वाली होते हैं, वे आगे पूछने लगी, तू पकड़ के ले गई माँ, फिर कैसे कैसे लड़ाई भाई बतावा है? तो बोली, लड़ाई पड़ाई कछु ना भाई, समझ ले नाक में दम है गई और मैं सोच कछु और रह गई, कछु कछु और रह गो। बोली, पूरी बात तो बता। फिर मैंने पूरी बात बताई तो बामे ते एक कोई उरई की हती, ये कौच उरई जालन,
यहाँ की गोपियों को तुम ऐसी वैसी मत समझना, भगवान को भी आड़े हाथों ले सकती हैं। गोपी नहीं गोपाऊ, एक और ही कहती बड़ी बुद्धिमान बन रही अपने आप में, बोली तू तो पागल है पागल, मां ले जावे कि क्या जरूरत थी, यहां बांध लेती अपने आप आती, बाकी मैयो ढूंढत ढूंढत। तो बोली बहन अपने मन में चाला का तो मैं हूं बहुत ही, पर मेरी दार गरी नहीं। हाँ तू तो पागल है बनती चाला के। तो वो धीमे ते बोली भगवान का उतना जौते पालो पर है तम मालिम पर है। भगवान ने सुन ली सो दूसरे दिन वाके जा और जानबूझ के पकड़ में आ गए। जब पकड़ में आ गए तो बोली तू बहुत होशियार बनता है ना, और तूने वो उस दिन वाली उस गोपी को पागल बनाया था, मैं ऐसे तेरे घर नहीं ले जाऊंगी। तो बोले का करेगी, बोले मैं वो तो बांधूंगी यहां पेड़ ते। भगवान बोले जाको तो कुछ कर रो ही काम है कुछ और जा कुछ जाए कुछ कर रो ही मजा चखानो पड़ेगा। पहले तो भगवान ने कही ठीक है गोपी गलती है गई और हम अब नहीं आएंगे और पहली बार तो माफ कर दे। बोले नहीं 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 मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं मधुर या गिरा वल गुबाक्य या मनोज्ञया पुष्करी क्षण। तेरी मधुर या गिरा मधुर मधुर जो बातें हैं मीठी मीठी बल्ग वाक्य या ठगने वाली, मैं उनमें आने वाली नहीं, मैं बहुत चतुर हूं। भगवान बोले तो तेरी चतुराई देखनी है बांध। हनुमान जी ने सुरसा से बड़ी प्रार्थना करी कि राम काज करे फिर मैं आवऊं और सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं और तब तब बदन पैठियऊं आई और सत्य कहूं वही जाने दे माई। लेकिन सुरसा मानी नहीं। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है तब तू खा, तुम दम होए तो खा, अब तक हम विनम्रता से निवेदन कर रहे थे तो तेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि जो है गांव में कहावत है ना कि लातों के भूत बोलो करो, बातों से नहीं मानते। हनुमान जी ने कहा खा तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा। ऐसे ही भगवान ने कह रहे बोले बांध रस्सी में देख तो छोटी पड़ गई, फिर रस्सी जोड़ी फिर छोटी, फिर रस्सी जोड़ी फिर छोटी, पसीना में लथपथ, और भगवान बंध नहीं पाए। फिर उसके अंदर एक भाव आया स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अहंकार गलित हो गया, समर्पण भाव आ गया। जब तक अपनी दम होते तब तक तो हम भगवान को ना मानते ही हैं। भगवान तब मानते हैं जब अकाउ लायक लेकिन जब वो काउ लायक नहीं रही तब उसने फिर प्रार्थना करी लाला मैं नहीं बांध पाई तो कृपा कर तू अपने ही बंधवियों का कोई उपाय बता। बोली ब्रह्म को बांधने के लिए किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाना पड़ता है। तू ब्रह्म को बांधने चली है और इन जड़ रस्सियों से, हां मैं बंधता हूं लेकिन ये इन रस्सियों से नहीं।
कोई ब्रह्मज्ञानी के पास जा और वहां जब जाएगी तो तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी मुझे बांधने का तुझे तरीका बताएगा, तुझे ट्रिक बताएगा। तो मैं अपने आप बंध जाऊंगा और ऐसे तुझे एक नहीं हजार जन्म बीत जाएं तो भी तू मुझे बांध नहीं पाएगी। हाँ मैं बंधा हूं, मुझे बहुत लोगों ने बांधा है और ऐसा ऐसा बांधा है लोगों ने कि मैं चाह करके भी खुल नहीं पाया। अभी तक बंधा हूं मैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोरी न छोरी जा, तोरी न छोरी जा मो पे। केवट के घाट पर जब भगवान राम, ये राम वही है त्रेता युग में जो सतयुग में राजा बलि के यहां बामन बन के गए। बामन और छोटे थे, राम तो उससे थोड़े बड़े हैं। ये वही राम हैं सतयुग में बलि के यहां बामन बन के गए, जिन्होंने दो पग में केवल पृथ्वी नहीं सारे लोक नाप लिए। किसी ने कहा राम जी से, तुम जा केवटा की इतनी बातें सुन रहे हो, जे उल्टी सूदी बात कर रहे है, हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे हैं, जा केवटा की इतनी सुन रहे हो, जब तुम सतयुग में पूरी दुनिया तुमने दो कदम ने में नाप ली, दो डग में नाप ली, जिन्हें किसी से गंगा जी ना लागी जा रही तुम पे है, इतना वो कर रहे हो है? एक पंक्ति ने हम प्रेम ने ना पे हो जाए, अग्नि होए ताहे बांधे बताऊं, अग्नि होए ताहे बांधे बताऊं, समुद्र होए ताहे मैं पी जाऊं। कितनों बड़ो समुद्र हो, कहे तो कोई लांग जाऊं और कहे तो कोई पी जाऊं। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लो वै सो खै संतोषा। पृथ्वी होए ताहे नापू में छन में है? समझ में आ गई, पृथ्वी होए ताहे नापू, ये नापने की परंपरा तभी से चली आई है। अब तो ये मीटर चल गए हैं और ये पटवारी लोग होते ना, वो कड़ी लेके नापते, कड़ी का कड़ी कहते हैं, कजोर जरीब 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 मुहे का कन्नो मुहे का नापनो जो कहते हैं। पृथ्वी होता है नापू छन में, लेकिन उस समय ये जरीब नहीं थी। आज भी लोग कभी कभी खेत को नापना हो एकदम एक्यूरेट अपने कदम चल करके बता देते हैं कि ये इतने बीघा है, होते हैं ऐसे लोग तुम्हारे यहां है कोई क्षेत्र में ऐसा ना? तो तुम वही बुला लियो आओ। दो कदम में पृथ्वी नाप ली, तो नापने की परंपरा आज भी है, कदम से लोग नाप देते हैं है? इतना लंबा इतना चौड़ा बोले इतना बीघा है ये। हाँ। पृथ्वी होए ताए नापू छन में, प्रीत न नापी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी मो पे तोरी न छोरी जा। किसी ने कहा तुम तो दो पग में पृथ्वी नाप सकते हो और समुद्र को लांग सकते हो, ये गंगा जी नहीं नाकी जा रही? तब राम जी ने कहा ये गंगा कोई जल
साधारण कोई जल नहीं है और ये केवट कोई साधारण कोई केवटा नहीं है। बोले तो, बोले ये प्रेमी है और ये गंगा प्रेम की धारा है, इसको नहीं नाप सकता न मैं इसको लांग सकता है। मैं उन रस्सियों से बनता हूं। भगवान ने कहा कि तू किसी गुरु के पास जा। बोली लाला दे के जी चाला की मोते मत करे, मैं गुरु बनाए हुए जाऊं तब तक तू अपने घर पहुंच जा। बोले नहीं गोपी, मैं तेई सौगंध खा रहा हूं, गैयन की सौ, मैं कहूं नहीं जाऊंगो। मैं तो चाहता हूं मुझे कोई बांध ले, मैं तो बंधना चाहता हूं, पर कुछ पे बांधने वाली रस्सी तो हो नहीं। लाला मुझे तू कोई ऐसा उपाय बता कि मुझे कहूं जानो आनो नहीं पड़े और तू बंध जाए। बोले हाँ ऐसा भी उपाय है मेरे पास। बोले बस भैया बता। तो बोले वो फिर बताया नहीं जाता, वो करके दिखाया जाता है। तो बोले करके दिखा दे। बोले उसमें ये है कि तू पहले मुझे गुरु बना, फिर मैं तो बताऊंगो, बिना गुरु बनाए दौड़े। तब तो उसने कहा शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो पहतस्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब तुम्हें उपाय बताओ। प्रक्षामि त्वाम, मैं तुम्हें पूछ रही हूं। बोले मैं करके दिखाऊंगा और गुरु बना। बोले ठीक है, मैं शिष्य और आप गुरु। तो बोले आज्ञा पालन करो। बोले बताओ। बोले रस्सी मोदे पेड़ ते ठाड़ी आ जा। एकदम बोली है। बोले ये तो उल्टी गंगा बह रही है। बोले नहीं, मैं तुझे बांध करके सिखाऊंगा, फिर तू मुझे बांध लेना। गोपी बोली के कहूं गड़बड़ तो नहीं आ जाएगी। बोले गुरु बनाया है तो शंका मत कर। जेहि विधि हो यही परम हित सोई हम नयान। जिससे तेरा परम हित होगा मैं वही करूंगा। हो सकता है तुझे थोड़ी देर के लिए बुरा भी लग सकता है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा आया। खड़ी कर दी और बांधते गए बांधते गए बांधते गए और पीछे जाकर के एक घुर्र गांठ दे दी। सामने आकर के बोली गोपी सीख गई? बोले हाँ। बोले फिर से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, कमी रह गई हो तो? बोले नहीं नहीं सीख गई। अरे बोले कोई कसर तो नहीं है? बोले नहीं। तो ठीक है फिर राम राम। बोले काय की राम राम? बोले जायवे की। अरे बोले मैं खोल तो दे। बोले गोपी मैं दुनिया की तरह नहीं हूं। जो दुनिया के लोग पंडित जी को बुला करके और आपस में बंध जाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद पेपर तैयार करते हैं कि तलाक यानी डिवोर्स। वैसे हमारे सनातन धर्म में ये शब्द नहीं है, हमारे यहां तो 7 जन्मों तक का वो रहता है, 7 जन्मों तक का है। क्योंकि वहां एक दूसरे के लिए जीते हैं, अपने सनातन में एक दूसरे के लिए जिया जाए तो ये नौबत ना आए, लेकिन दोनों अपने अपने लिए जिएंगे तो ये नौबत हर समय आएगी। तो बांध करके भगवान ने कहा मैं बांधता हूं, या तो मैं बांधता नहीं हूं और यदि मैं किसी को बांध लेता हूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। एक बात बताऊं भैया, बुरा न मानो तो है? ए बिजली के जो प्लग होते हैं ना, प्लग उसमें से 2 वो निकले रहते हैं, क्या कहते हैं भाई,
अरे दो पिन सी निकली रहती है ना, और उन्हें हम स्विच में डाल देते हैं तो बिजली आने लगती है, और उस स्विच में उसमें अब ऐसा आने लगा है कि तार से तार, तुम्हारे पास है क्या बच्चों? यानी एक में अंदर छेद रहते हैं और एक में पिन निकली रहती हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। दोनों ही प्लक होते हैं, दोनों ही प्लक, लेकिन एक में खाली जगह होती है और एक में तार निकले रहते हैं, पिन निकली रहती हैं। यदि एक में खालीपन हो और एक में भरापन हो तो दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे, और दोनों एक जैसे हुए तो टकराहट बनी रहेगी। बात समझ में आई? टकराहट कहां है? दोनों तरफ बिजली के प्लग, दोनों में बाहर निकले हुए पिन हो और छुपाओ तो चिंगारियां उठेंगी, चिंगारियां। तो जहां पत्नी में खालीपन होना चाहिए, पत्नी में खालीपन होना चाहिए, वो सबको समा जाए, अपने अंदर समा ले, पूरे परिवार को, अपने आदमी को, अपने सबको अपने अंदर संभाले। लेकिन पत्नी क्या कहती पता है? थोड़ा इनको भी तो एडजस्ट करना चाहिए, क्या हम ही करें सब? हमारी ठेकेदारी है क्या? थोड़ा इनको भी थोड़ा करना चाहिए। जब ये बात आई तो प्लग के दोनों तरफ से पिने निकल आई हैं, अब दोनों में एडजस्टमेंट नहीं होगा। आई एम राइट? आदमी तो सब कह रहे हैं राइट, लेकिन माताओं ने भी कहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये माताएं बहुत महान हुआ करती हैं, बहुत महान होती हैं। किसी माइकलाल पुरुष की दम नहीं है कि अपनी ससुराल में अपना जीवन काट दे, और ये अपनी ससुराल में अपना जीवन काट करके सबको अपने अंदर समाने की क्षमता रखती है। लेकिन जब इनके अंदर से यह गुण कम हो जाता है तो फिर नारी अधूरी हो जाती है। सबको समाना की क्षमता, समाने की क्षमता कम हो जाती है तो वो पिलक खराब हो जाता है। जैसे कभी कभी पिलक में क्या क्या होता है, वो गुहेरी होती है ना, गुहेरी, गुहेरी समझ रहे? अरे कीड़ा, भृंगी कहते हैं कहीं, कीड़ा कुछ क्या कहते हैं उसमें, मिट्टी। अब मिट्टी का वो अपना घर बना लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ भर गया है तो प्लग सही नहीं बैठेगा। ऐसे ही नारी के अंदर जो खालीपन होना चाहिए था, सबको समाने की क्षमता, यदि उसमें कुछ भर गया, ईगो या कोई गलत फहमी या कोई मायके के पक्ष के लिए कोई पक्षपात, कोई भी मिट्टी भर गई तो जब भी तुम स्विच डालोगे तो करंट नहीं आएगा और एडजस्ट फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि कुछ भर गया है। जिस नारी के अंदर जब मायके से आए ससुराल में तो बिल्कुल खाली होके आए और ऐसा सोच के आए कि अब मैं जहां जा रही हूं मैं उनको अपने अंदर संभालूंगी, तो इतना इतना सुंदर परिवार बनेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रेम की डोरी में भगवान बनते हैं, और भगवान जब बनते हैं या बांधते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, खोलते नहीं है, अलग नहीं होते। गलतियों से तो जुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा
तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, तू मुझे और मैं तुझे, इल्जाम देते हैं मगर हाँ, कैसे इल्जाम देते हैं मगर, इल्जाम वाली कैसे, अभी बोल गया मैं, भूल गया। तू मुझे और मैं तुझे, इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं। आगे बोलो। मैं भी नहीं। गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, वरना इतना तो बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। जिंदगी एक समझौता है प्यारे हो, दूध का धुला हुआ कौन है, दूध का धुला हुआ कौन है, लेकिन कमियों को देखना शुरू कर देंगे। मैंने परसों कहा था कि जाने कल कहा था, बहम वैर की जननी है। जब कभी बैर होगा उससे पहले भीतर बहम आएगा, वहम में ही धीमे धीमे विस्तार होगा तो बैर बन जाएगा। साढ़े चार बजे कथा पूरी करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। वीरपुरा के कह रहे हैं पांच को थप्पड़ को इशारा कर रहे हैं, या कब पार्टी को इशारा कर रहे हैं, पांच बजे को कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबका ध्यान रखना है। कुछ लोग बार बार फोन में घड़ी भी देख रहे हैं कि हमें यार दूर पहुंचना है, चार बज गए, लेकिन उस दुनिया में तो जीवन भर रहना प्यारे। ये क्षण, दिस टाइम वेरी गोल्डन टाइम, ऐसे सुनहरे क्षण दुनिया में कहां है। घर तो पहुंचना ही तो है, कभी भी पहुंच जाओगे। घर पहुंचना बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन एह सर आवत बड़ी कठिनाई है, यहां तक आना कठिन है। अरे तुम तो इंसान हो, मैं तो उस जमाने में मैंने वो देखा है, मैं जब छोटा सा था तो अपने बाप दादा के संग में हल चलाना सीखा करता था, थोड़ी सी पकड़ लेता था, वो हल की मूठ होती है ना, मैं उसको पकड़ लेता था। लेकिन मैंने उस समय देखा कि बैल जब घर से खेत के लिए हल में जोड़े जाते तो उनकी चाल बड़ी धीमी होती थी, जबकि वो बिल्कुल फ्रेश थे, समझिएगा, बिल्कुल फ्रेश थे, लेकिन फिर भी चाल धीमी है। और जब खेत जोतने के बाद थकान से बिल्कुल अधमरे हो जाते थे, हैं, अधमरे हो गए और खेत में चला नहीं जा रहा, किसान देख रहा है कि अब नहीं चल पा रहे,
तो फिर वो जब घर के लिए छोड़ता है ना उन्हें, तो किसान का संग चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हैं? तो एक पशु भी घर में तो बिना मेहनत के पहुंच जाता है, लेकिन कर्तव्य क्षेत्र पे, कर्म के मार्ग पे, कर्तव्य के मार्ग पे जाने के लिए पैर बड़ी मुश्किल से पड़ते हैं, हैं? इसलिए वहां जाने की तो चिंता ही मत करो, वहां तो तुम अपने आप पहुंच जाओगे। और बताऊं, असली जो घर है ना, असली घर, वहां पहुंचने की चिंता करो, वहां कैसे पहुंचे। इन घरों में तो बिना डरकाए डरके जाते हैं हम लोग, हैं? और वहां तब पहुंचोगे जब यहां टाइम दोगे, चाहे वो चैनल के माध्यम से बैठे हों, चाहे वो यहां बैठे हों, टाइम दे रहे हैं ना। मैंने एक दिन सुबह, जैसे अभी ये कथा का आयोजन हो रहा है, जब कथा का आयोजन नहीं होता, जब मैं फ्री होता हूं, तो सुबह में रोजाना 20 मिनट लाइव विश्व चेतना परिवार ट्रस्ट चैनल पर 20 मिनट 25 मिनट रोज बोलता हूं, उसमें जरूर सम्मिलित हुआ करें। सुबह 9 बजे ये बात मैंने इस बात पर बताई कि ये आयोजन तो कोरोना की वजह से कम होंगे और आने की अनुमति नहीं दी है मैंने, लेकिन जुड़े रहने के लिए वो बहुत सबसे अच्छा साधन है, हैं? तो वहां समय दो। तो मैंने उस 9 बजे वाले उस वक्तव्य में एक दिन कहा था कि एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे ही मैं कहता हूं कि तुम जहां पे हो, खेत में, खलियान में, ऑफिस में, कहीं भी हो, वहां केवल मोबाइल खोल करके तुम मुझे 20 मिनट दे दो, फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मुंह से बताओगे कि मैंने तुम्हें क्या दिया। मैं तुम पे तो खून ना मांग रहा हूं और समय भी ऐसा ना मांग रहा हूं कि तुम्हारा कोई काम बिगड़े। माताएं तो अपनी रसोई में भी रख सकती हैं, कपड़ा धो रही हो तो बाथरूम में डल लो, बाथरूम में वो साबुन रखने का होता है, बास में साबुन हटा दो, अपने मोबाइल डल लो, हाँ लेटरिन में मत ले जाना कहीं। अब कछु सोच रही हूं कि हमारे तो कम माइंड है, लेटरिन बई में और बई में बाथरूम है, तो हमें कहीं भी सुनना है ना, हम कहीं भी सुन लें, समय दे दें बस, तुम मुझे समय दो, मैंने तुमसे कुछ और नहीं मांगा, फिर तुम्हें जो प्राप्त होगा तुम खुद अपने मुख से बताओ। भगवान ने बांध लिया गोपी को, क्यों? गोपी है ना, वो दिल से भगवान को बांधना चाहती थी, और भगवान ने कहा चाहे तू मुझे बांध ले, चाहे मैं तुझे बांध लूं, बात तो एक ही है। तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं, मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, सिर्फ इतना सा है प्रेम का व्याकरण, मैं तेरी मान लूं, तू मेरी मान ले। आखिरकार गोपी ने स्वीकार किया और गोपी भगवान की बन गई। भैया आओ,
एक दिन क्या हुआ, भगवान औरों के यहां चोरी करके माखन खाते थे, तो जसोदा ने पूछ लिया कि लाला मेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, पर तू घर घर चोरी क्यों करता है? तो भगवान ने कह दिया, मां जितनो स्वाद इन गोपीन के माखन में है उतनो स्वाद तेरे माखन में ना। अब यशोदा तो आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे माखन में क्या कमी है, एक से एक देसी मारवाड़ी हैं गाय, पद्मगंधा गाय, सुरभि गाय, कैसी कैसी गैया हैं मेरे यहां। यशोदा ने सब गोपियों के यहां जाकर के ये जांच की कि आखिर ये गोपी माखन बनाती कैसे, हो सकता कोई बनाने का तरीका अलग हो। तब उसने समझ लिया क्या कि सब गोपियां जब माखन बनाती हैं उसमें भगवान का ही चिंतन करती हैं। तत् कथनम तत् चिंतनम बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैंने एक दिन कहा था कि बीज बोने वाला कीर्तन करते हुए चौपाई गाते हुए बीज बोएगा खेत में गेहूं का, तो वो गेहूं जब उपजेगा और उस गेहूं को कोई खाएगा तो उसे भजन करना नहीं पड़ेगा, उसका भजन अपने आप होगा। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन है। यशोदा ने जाकर के देखा और बस उसने फिर अपने घर आकर के समझ में आई कि मैं क्या गलती कर रही थी। गलती वो ये कर रही थी कि उसके माखन को बनाने वाले नौकर थे और अपने हाथ में और नौकर के हाथ में तो जमीन आसमान का अंतर होता है, हैं? अपने जो भाव बनता है उसकी बात अलग है और नौकर की तो नौकर है भाई तो कंटी काटनी है। बा को ध्यान तुम्हारे भाव पे नहीं है, तुम बा को भाव तो अपनी सैलरी पे, और वो सैलरी बढ़ावे की हमेशा कोशिश करता है और मालिक दबाता है तो नौकर खुनसे में तो हमेशा ही रहता है, भीतर से खुनसे में रहता है, आक्रोशित रहता है। तो स्वयं यशोदा ने फिर अपने आप दूध निकाला, गर्म किया और मंथन करने लगी अपने हाथों से। और उस समय स्वयं भगवान फिर और दिन नहीं आते थे, आज यशोदा के पास स्वयं चल करके आए हैं। गुरु की सेवा कोशिश करना खुद से की जाए नौकरों से नहीं, भगवान की सेवा कोशिश करना खुद से की जाए नौकरों से नहीं, मां बाप की सेवा कोशिश करना खुद से की जाए नौकरों से नहीं। क्यों? क्योंकि नौकर क्रिया तो कर सकता है लेकिन आत्मीयता नहीं दे सकता और उनको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो कहां से लाओगे? और तुम्हारे मां बाप का मन तुम्हें देख करके जो गदगद होता है ना, वो तुम नौकर से कैसे दे पाओगे? और सच बताऊं मां क्या कहती है बेटी से कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे देख लेती हूं ना तो कलेजा हरा हो जाता है, वो देख करके खुश हो जाती है, उसे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। तो एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी करमान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि निर्ममन्थ। अपने आप मंथन कर रही है अब सब,
गृह दासीसु कर्मांतरण युक्तासु, अलग अलग कर्मों में उन्हें सौंप दिया, लेकिन अपने लाला की सेवा खुद। फिर भगवान स्वयं आ गए और पता है भगवान क्या कहने लगे, मैया ये मंथन बंद कराओ, ध्यान रखना जिस समय हमारा कर्मकांड जब पूरा हो जाएगा तो कोई महापुरुष आकर के स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ के कहेगा कि अब ये कर्मकांड बंद कर, अब इससे आगे की सीढ़ी ये है, अब तू ये काम शुरू कर दे। उस समय तुम अपनी हट लेके मत बैठ जाना, अरे कि मैंने इतने दिनों से ये काम किया मैं कैसे छोड़ दूं, ना कोई महापुरुष तुम्हें बता रहा है, परमात्मा की प्रेरणाएं। लेकिन जसोदा आसक्ति में फंसी है, कर्म आसक्ति में, भगवान कहते हैं छोड़ दे। जब नहीं मानी, जैसे तैसे रोकी, तो फिर भगवान को उसकी मटकी फोड़नी पड़ी, एक अपना माया रच करके दूध को उफाना और मटकी को फोड़ दिया। क्योंकि जहां जहां तुम्हारी आसक्ति होगी और यदि तुमने राजी से नहीं छोड़ी तो फिर भगवान छुड़ाएगा नहीं, भगवान फोड़ देगा जहां जहां आसक्ति होगी। औरों की तो बात छोड़ो, तुम्हारे बिजनेस की, नौकरी की, धंधे की, मकान की, घर की, इनकी तो बात छोड़ो, तुम्हारे कपाल को भी एक दिन भगवान तुम्हारी औलाद से ही फोड़वा देगा, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। इससे काम निकाल लो, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। ये स्वर्ग नरक और अपवर्ग माने बैकुंठ को भी देने वाला ये शरीर, जाते काम निकाल ले, प्राप्त कर लो, मंजिल पर पहुंच जा, फिर सीढ़ी भले ही गिर जाए, पहुंच गए ना ऊपर। हां, जिनको उतरना चढ़ना है उन्हें सीढ़ी सुरक्षित रखनी पड़ेगी, लेकिन जिन्हें केवल चढ़ना ही चढ़ना है, उनकी सीढ़ी रहे या गिरे, उनके लिए शरीर रहे या गिरे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब पहुंचना था वहां पहुंच गए। ग्रहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन्। ग्रहीत्वा दधिमन्थानं, रई पकड़ ली, और न्यसेधत् बड़ा प्यारा शब्द है, यानी उसने उस क्रिया का, उस कर्म का निषेध किया, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये सब मेरे लिए कर रही थी ना, अब मैं जब आ गया तो अब इसे छोड़, अब मुझे पकड़, अब इसे छोड़ और मुझे पकड़। और ये पकड़ने छोड़ने का सिलसिला साधक के जीवन में रहना चाहिए, कहीं एक चीज को पकड़ के न रह जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भैया यशोदा ने गुस्सा किया और लाला को जब पकड़ के लाई, ऊखल से बांध दिया, और भगवान ने ऊखल को गिरा करके, दो पेड़ खड़े थे यमला अर्जुन, जो पहले नलकूबर और मणिग्रीव थे, उस जन्म में इनकी भाषा खराब थी, और ये दलील ये देते थे कि हमारी भाषा ही ऐसी है तो हम करें का, भाई तुम्हारी भाषा खराब है, तुम नहीं करोगे तो कोई और करवे आवेगो। ये मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हम अपनी भाषा, अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना कर्म हम सुधार लें। हम ये कह के न छोड़ने के, तो हम तो ऐसे ही हैं, क्योंकि अब न सुधरी तो 84 लाख योनियों में भी यही स्वभाव, यही क्रियाएं, यही चरित्र तुम्हें दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर देंगे। ये मौका दिया है भगवान ने, सुधार ले।
ये कह के मन टाल दे कि साहब हमारी तो भाषा ही ऐसी है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा स्वीकार मत कर लेना। इसके लिए मानव जीवन बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव संग चला गया ना तो इतना बड़ा घाटा होगा। आपने कुछ गाय या भैंस देखी होंगी जो दूध तो देती हैं लेकिन रोज इंजेक्शन ठुकता है, हाँ या ना? इंजेक्शन ठुकता है और एक आदमी डंडा लेके खड़ा होता है, और खड़ा ही नहीं होता, जरूरत पड़ने पे जड़ भी देता है और इतनी जोर से जड़ता है कि फिर वो कांपने लगती है और फिर वहीं खड़ी हो जाती है, फिर उसका दूध निकाला जाता है। हैं? क्यों? वो मानव जीवन का स्वभाव खराब है उसका, लात मारने का, इसलिए उस पर रोज इंजेक्शन और रोज लठ पड़ते हैं, तब जाकर के वो दूध देती है। और वो जहां जाएगी, जिनके स्वभाव, कर्म, भाषाएं खराब हैं, वे ऐसा ही नहीं है कि केवल वो अपने अपने गांव में ही, वे कहूं चले जाए मैं पिटेंगे, कहू योनी में चले जाए, कहू देश में चले, फिर वे कहेंगे पता नहीं हमारा तो नसीब नसीब खराब ना है, कर्म खराब, नसीब खराब नहीं, कर्म खराब है, स्वभाव खराब है, भाषा खराब है। बोलिए कयामोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, कागा काको धन हरे कोयल किसको दे, अपने मीठे वचन सो जग अपनो कर ले। एक आदमी ऐसा है जिसकी सारी दुनिया दीवानी हो जाती है केवल बोली के कारण, और एक आदमी ऐसा है जाकी खुद की पत्नी परेशान, बहू परेशान, छोरा परेशान, नाती परेशान, और वो खुद ही परेशान, वो खुद फिर जावाते परेशान हो तो पता ना जा मैं मोहम्मद कैसे आग लग जाते हैं, निकल जाती है, क्योंकि अभ्यास बहुत पड़ गया है। बोले बदले कैसे, सील के मिल बेनु बुध सेवकाई, किसी महापुरुष के वचनों का कंटिन्यू कुछ दिन हम जबरन पालन करें फिर कुछ दिन बाद वो पालन अपने आप होने लगेगा। पहले बच्चा स्कूल में जबरन भेजा जाता है और फिर जब आदत पड़ जाती है तो फिर उस पर रुका नहीं जाता, फिर वो स्वयं चाहने लगता है, हैं? पहले कुछ दिन जबरन करनी पड़ेगी, महापुरुष के वचनों को नित्य श्रवण करें और पालन करें, न अच्छा लगे तो भी करें, क्योंकि दवाई कड़वी हो सकती है। भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया, ये उद्दंड थे, इनकी भाषा बहुत खराब थी, और नारद जी वहां से निकल रहे थे तो नारद जी पर व्यंग कस दिया, नारद जी पर व्यंग कस दिया इन्होंने। कुछ लोगों की भाषा इतनी कड़वी होती है कि वो सहज बोले तो ऐसे लगता है बाण सौ, क्योंकि बात को इतना जहर में घोल करके बोलते हैं। देखो मैंने कल बताया ना, जलेबी बिना चाशनी के होगी तो हलक के अंदर नहीं जाएगी, जलेबी बिना चाशनी के नहीं होगी तो हलक के अंदर नहीं जाएगी, ऐसे हमारी भाषा हमारे शब्द यदि बिना मिठास के नहीं होंगे तो दूसरे के हलक के अंदर नहीं जाएंगे, और कोई जबरदस्ती का होगी मुंह में ठूंसोगे ना तो गला फट जाएगा, और गला नहीं हृदय फट जाएगा साहब,
इसलिए लोगों के घरों में हृदय फट जाते हैं, भले ही फिर जीना पड़े उनके संग में, पर जीना सुहाता नहीं है। लोग निभाते हैं, क्या करें, पति है क्या करें, बाप है क्या करें, भाई है, मजबूरी है, लेकिन वो आदमी इस धरती का बोझ होता है। भगवान ने रामायण में बड़ी प्यारी बात कही है, इस लॉकडाउन में हमारा ये सब छूट गया, याद नहीं आती बहुत सारी बातें, एकांत में इतना अच्छा लगा कि सब चलो उसको हम छोड़ देते हैं, चौपाई याद नहीं आ रही। उसका भाव ये है, मैं वो बता देता हूं कि जी हां आगे चौपाई, वचन वज्र जेही सदा प्यारा, वचन वज्र कठोर वचन जिन्हें प्यारे लगते हैं, जो कठोर वचनों को धारण करके रखते हैं, वे खल हैं, वे असज्जन हैं, वो मेरी भक्ति के कभी काबिल हो ही नहीं सकते, मेरी भक्ति के तो हो ही नहीं सकते, वो समाज के भी काबिल नहीं है, वो धरती का वजन है, हर व्यक्ति को वजन ही नहीं लगते हैं। वचन वज्र जे है सदा प्यारा, प्यारे हो इन नलकूबर ने नारद जी पर। मैं एक बात और कहूंगा, यदि हमारी भाषा खराब है, यदि हमारा स्वभाव ऊटपटांग है, तो तुम्हारी पत्नी के साथ तो चल जाएगा, चूंकि बाने सात फेरे खाए हैं, वो तुम्हारे संग मरवे मिटे हुए तैयार है, लेकिन उसको कहीं हर जगह लागू मत करना, और विशेष करके किसी महापुरुष संत महात्मा के सामने तो बिल्कुल ही लागू मत करना। नहीं गए थे दर्शन करने, गए थे कल्याण करने, उल्टा नलकूबर की तरह वृक्ष की योनि में पहुंचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का ये नियम है, निज अपराध रेसाहीन काबू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बताएं कई जने कितने हजार बरसते वृक्ष बने भाई आते, लेकिन क्यों फिर बच गए? वो तो इन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करके नारद जी के चरणों में गिर गए, लेकिन उन्होंने कहा साप तो भोगना पड़ेगा, पर यह है कि अब तुमने क्षमा मांग ली है तो कभी छूट जाओगे इस योनि से। भगवान ने उनका उद्धार किया है। उसके बाद में वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, और उसके बाद कालिया नाग, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण कृष्णाहिना विभु, अनुप्रास अलंकार है इसमें, और यमक भी है। कृष्ण शब्द तीन बार आया, लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णाम कालिंद्याम, कृष्णा यानी यमुना, उसका नाम यमुना जी का भी नाम एक है, कृष्णा कालिंदी। दूष विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, उस यमुना को दूषित देख करके कृष्ण, कृष्ण माने कन्हैया, और फिर तीसरा शब्द है कृष्णाहिना विभु,
कृष्णा हिना का मतलब है कृष्ण अहिना, कृष्ण माने होता है काला और अहि माने होता है सर्प, यानी कालिया नाग। आदमी कोई कारो ज्यादा कारो हो तो गामन में बहुत कहते हैं अरे वो तो कारिया, वो कालिया है, कालिया है? तो कालिया नाग। तस्या विशुद्धि मन विक्षन सर्पम तमुदवासयत। भगवान ने गेंद की लीला के बहाने और यमुना जी में छलांग लगाई, उन्होंने देखा कि दूषित हो रहा है इस कालिया की वजह से। ये यमुना कर्म की नदी है भैयाओ, एक बात का ध्यान रखना, भगवान सब कुछ क्षमा कर देते हैं पर एक बात क्षमा नहीं करते। बता दूं कि रहने दो, तुम्हारी लाख कमी हो, लाख कमी हो, लेकिन भगवान अहंकार को क्षमा नहीं करते। अहंकार की पहचान कैसे हो? हम कभी कभी अहंकारी को भी लगता ही नहीं है कि मैं अहंकारी हूं। अहंकारी को लगता नहीं क्योंकि अपनी आंखों का काजल आदमी को बिना दर्पण के दिखाई नहीं देता। अहंकारी को लगता ही नहीं है कि मैं अहंकारी हूं। बोले पहचान क्या है? यहां थोड़ी सी मैं, लेकिन समय हो गया, लेकिन शॉर्ट में कह रहा हूं, जो व्यवहार परशुराम कर रहे हैं पूरी सभा के साथ, वही व्यवहार थोड़ा सा लक्ष्मण जी ने कर दिया परशुराम के संग, तो वो क्या कह रहे हैं? ये लड़का बहुत उद्दंड है, ये बहुत विषरस भरा कनक घट जैसे है? धीमे से लक्ष्मण जी ने कही है कि मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूं। जब आप क्रोध कर रहे हैं, आपको क्रोध बुरा नहीं लग रहा, तो मैं अपना क्रोध बुरा नहीं लग रहा, पर दूसरे का क्यों बुरा लग रहा है? मैं क्रोध करूं तो बुरा और तुम क्रोध करो तो अच्छा? अहंकारी व्यक्ति को बात बहुत जल्दी चुभती है। वो सबसे सम्मान चाहता है और खुद किसी को सम्मान देना पड़े तो उसे बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहता जहां झुकना पड़े, उन रास्तों को ही बंद कर देता है। वहां जाने के लिए हर समय तैयार है, कहां? जहां उसका सम्मान हो वहां जाने के लिए तैयार है। और भी बहुत सारे लक्षण है, लेकिन मैं यहां समय के अभाव में बस इतना कहूंगा कि ये कर्म की नदी है यमुना, इसमें कालिया नाग घुस गया तो जल दूषित हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी सत्कर्म हम करें और बामे यदि हमें सत्कर्म को अहंकार है जाए कि हमने इतनी तीर्थ कर ली, हम तो रोज मंदिर की झारा बुहारी करते हैं, है हम तो इतना जप करते हैं, हमने इतनी रामायण पढ़ डाली, हमने जी कर लो, हमने वो कर लो, ये बात यदि अंदर आ गई, कहने की बात नहीं, कहवो तो बहुत ही बुरी बात है, उसे आत्मश्लाघा कहते हैं, कहना तो बहुत बुरी बात, लेकिन अंदर भी आ गया तो क्यों करायो सब गयो सब। इससे जो बचना बच जाएगा, अपने अपनी साधना को जो पचा जाएगा, और जिसकी पाचन शक्ति बढ़िया है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। नारद जी पचा नहीं पाए, कामदेव थोड़ी सी प्रशंसा कर गया था कि तुमने तो मुझे भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, अपच हो गई और फूड पॉइजन बन गया अंदर, फूड पॉइजन गड़बड़ हो गई। तो प्यारे हो, कालिया नाग को भगवान ने नाथा, उसका एक ही उद्देश्य है कि प्रदूषण को खत्म करना, और जो प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं वे कालिया नाग हैं, और जो उनको समन करने वाले हैं वे चाहे परमात्मा हो चाहे महात्मा हो, ये प्रदूषण को खत्म किया करते हैं, चाहे वो किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, प्रदूषण को खत्म करें।
और सुनो, ये बाह्य जो प्रदूषण है वो तो हानिकारक है ही, ये कोरोना क्या है? प्रदूषण ही है। आज कितना खतरा बन गया। अरे इस कोरोना से डर रहे हैं, उन प्रदूषणों से डरो जो अपने अंदर इस कोरोना से हजारों गुना ज्यादा विषैले बैठे हैं भीतर। काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञान रत्नापहाराय तस्माज्जागृहि जागृहि। अंदर बैठा है कोरोना का बाप, उसे कैसे बचोगे? हैं? वहां सैनिटाइजर से नहीं बचोगे, वहां जा मुच्छी काते नहीं बचोगे वहां। तो बोले उसका एक दूसरा तरीका है, जैसे हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में कंप्यूटर में एक वायरस आता है, लेकिन बड़े बूढ़े नहीं समझ रहे होंगे वायरस कौन सी पेड़ पर लगा तो है। वायरस आता है, और एक कोरोना भी क्या है? वायरस है। ऐसे ही हमारे भीतर भी वायरस आते हैं, विकारों के वायरस। लेकिन यदि हमारे अंदर पहले से एंटीवायरस है, एंटीवायरस, तो फिर वायरस कितने उडोले हम सुरक्षित होंगे, हम मस्त घूमेंगे, और हम वायरस पर हमारे मारे भागेगा, वायरस पर हमारे मारे भागेगा, क्योंकि हमारे पास एंटीवायरस है। तो भैया आज कालिया नाग तक की कथा करेंगे, अब कालिया नाग का यहां बड़ा प्यारा भजन है, अब उसके लिए आप लोग नाचेंगे कूदेंगे और खड़े हो जाएंगे, और जिन्हें जल्दी हो भी चले जाएंगे भले ही। वैसे हमारे परीक्षित जी का कहना तो यह, प्रसाद लेके जाओ करें शांति से, ठीक है? अब ठाड़े है जाओ। काली देह पे खेलन आयोरी मेरा बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो बोलो, मेरो छोटो सो हो काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो
कृष्णानंद के मन में होता अति आनंद
दर्शकों चांदी हे पृथ्वी चांदी राप हा चांदी रोग देहा चांदी हे वनपते हा चांदी विश्व देवा हा शांति ब्रह्म शांति हे त्रिपगों शांति हे शांति रेव शांति हे चामा शांति रे धे मंत्र पुष्पांजलि हरे राम जने नल्यमय चंदरे वास्तान धर्मा प्रथमान्याचन्य वेहनाकर महिमा चंद्र पूर्वे चाद्या शांति देवा हरि ओम एक दंताय विद्महे भक्तृदंडा धीमहे दंडो दंते प्रचोदया हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहे तन्नो कृष्णा प्रचोदयाय हरि ओम प्रसभानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहे तन्नो त्रिराधा प्रचोदयाय त्रिवंते काम कुल जाम भगवत लाभ जय पुण्यागजाद कर वेदर शाल पुष्पय बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजया मे जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।